नमस्ते दोस्तों, हम दो पार्ट्स इसके पढ़ चुके हैं इस पेपर के, जिसमें 1 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर हमने 16 से 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है हमारा, वो क्या है, वो एक है कि इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट टू सेल कनेक्टेड इन ए सीरीज गेट बैलेंस्ड एट 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। मतलब देखो, जो इसने कहा है वैसा का वैसा मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्मूला बना के रखा है, ठीक है। वो डायग्राम देखो मैंने आपके, कि वो कोई भी मेरे पास एक जो ये सेल्स लगे हैं पोटेंशियोमीटर में, वो सेल्स E1 है और सेल्स E2 है, दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखी है मैंने, ठीक है। अब देखो एक्चुअली वो क्या कह रहा है कि इफ़ द कनेक्शन ऑफ द टर्मिनल ऑफ सेल ऑफ लोअर EMF आर रिवर्स्ड। अगर देखो पहले हमने क्या कहा, पहले तो इनका कि एकदम उनको सीरीज में लगाना है, ठीक है, E1 और E2 तो दोनों सीरीज में, प्लस से आपका माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उनको अगर रिवर्स कर दिया जाए, अगर दोनों को अगर रिवर्स कर दिया जाए, अगर दोनों को इनकी इसमें प्लस है और यहाँ भी क्या हो गया, प्लस हो गया आपका, ठीक है। तो द बैलेंस लेंथ इज ऑब्टेंड 4 मीटर, और जब इसको रिवर्स कर दिया आपने तो पोटेंशियोमीटर में जो लेंथ आपको फाइंड आउट हुई है वो एक्चुअली 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट हुई है, वो गिवन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ EMF टू सेल, दोनों सेल के EMF का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल देखो, अगर अपन पोटेंशियोमीटर का अगर अपन प्रिंसिपल पढ़ते हैं अपन, अगर तो प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, कि जो E होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, L के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जो E होगा वो कोई K कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि जो कंडीशन पहली क्या है, E1 और E2 जो है वो सेल्स आ रही हैं सीरीज, दोनों क्या है एग्जैक्टली सीरीज में है, तो क्या होगा कि नेट जो होगा वो क्या, वो दोनों का जुड़ जाएगा, E1 और E2 हमेशा जुड़ जाएंगे, ठीक है, और वो E डैश मान लिया आप, ठीक है। कंडीशन नंबर दो क्या कहती है कि E1 और E2 जो है वो दोनों क्या रिवर्स में है, मतलब ठीक है तो सीरीज में, ठीक है, रिवर्स है मतलब नॉट इन सीरीज है, ठीक है। तो क्या होगा, E1 - E2 आपका हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका E2 दे दूंगा इसका टाइप नाम, ठीक है, इसका नाम E1 दे दिया, इसका नाम E2, ये स्क्वायर नहीं, ये E2 है आपका, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो E डैश होगा, मतलब जो E डैश पहला वाला, ठीक है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा E डैश प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, या फिर K L हो जाएगा आपका। तो मैंने देखो क्या किया है, E डैश इक्वल टू मैंने क्या किया है, K·L, L मतलब 8 सेंटीमीटर मुझे दी गई है, डायग्राम मैंने लिख दिया मैंने, ठीक है, कि पहले वाली कंडीशन जब दोनों सीरीज में होते हैं तो लेंथ कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, E1 + E2, ठीक है, इक्वल टू K·8, और वहाँ पर K की वैल्यू फाइंड आउट करूँ या ना करूँ मेरी इच्छा डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन मिल गई मेरे को, ठीक है। E2 दूसरी कंडीशन क्या है, जिसमें K·4 यानी कि वो कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ मुझे क्या होगा, E1 - E2 कितना फाइंड आउट होगा, K·4 फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इन दोनों का अनुपात ले सकते हो, दोनों का अनुपात लोगे अब तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आप चाहो तो इन दोनों का भी अनुपात ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का अनुपात लिया तो मुझे क्या मिला है, 2 मिला है, ठीक। कैसे, कैंसिल हो गया, और 4 का डिवाइड करोगे 8 से क्या होगा, 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ मुझे क्या हो गया, यहाँ मुझे कंडीशन फाइंड आउट हुई ये वाली, ठीक है, E·2 E2, ठीक है आपको, प्रीवियस कंडीशन से आपको ना, एक चीज वज्र गुणा जब करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका, E2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जब कंडीशन फाइंड आउट हुई तो मैंने क्या किया, E- की वैल्यू को पुट कर दिया, वो क्या होगा, E1 + E2 होगा, इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीपल हो जाएगा इसे E1 से, और -2 E2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर जस्ट इसको मैंने रिवर्स, जो जिधर जाना चाहिए उसको उधर सेंड कर दिया, तो यहाँ मुझे क्या है, 3 E2 फाइंड आउट हुआ, इक्वल टू E1 फाइंड आउट हुआ। अब E1 / E2 का मैंने रेशियो ले लिया, तो क्या आएगा, 3/1 यानी कि 3:1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मेरा जो आंसर होगा मेरे क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो क्या होगा, एग्जैक्टली मेरा 3:1, मतलब ये जो सेकेंड आंसर मेरा एग्जैक्टली क्या होगा, मेरा सही होगा, ठीक है। तो अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए स्ट्रेट मैग्नेटिक स्टील वायर ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट एम इज बेंड इन ए सेमी सर्कुलर शेप। देखो कोई एक लंबा वायर था, उसको सेमी सर्कुलर मतलब आधे वृत्ताकार फॉर्म में उसको बेंड कर दिया इन्होंने। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बेंड वायर विल बी, यानी कि जो वायर बेंड कर दिया गया है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। देखो मैंने सिंपल वही किया जो क्वेश्चन ने कहा, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि मेरे पास पहले एक सिंपल एक लॉन्ग वायर था जिसके दो पोल थे M और -M मैग्नेटिक मोमेंट के, ठीक है।
तो जो कैपिटल एम होता है वो किसके लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए है, और एम किसके लिए आपका, मैग्नेटिक चार्ज के लिए आपका। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने उसे बैंड भी कर दिया, ठीक है। तो बैंड करूँगी अगर अगर इसकी लेंथ आपकी अगर एल है अगर, ठीक है, पूरी लेंथ अगर आपकी इसकी एल है अगर, तो ये लेंथ भी क्या हो गई, बैंड होने पर लेंथ क्या रहेगी, एल ही रहेगी आपकी। लेकिन सेमी सर्कुलर को बनाने की वजह से क्या हो गया, ये इसका डायमीटर हो जाएगा अगर दोनों पोल्स को मैं कनेक्ट करूँ तो। अगर तो इस सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस आर रेडियस हो जाएगी, ये डिस्टेंस आर रेडियस हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कैपिटल एम किसके बराबर होता है, एम क्रॉस एल के बराबर होता है, मतलब उसकी लेंथ और उसका मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम, ठीक है, चार्ज जो होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लेंथ ऑफ द कर्वेचर क्या होगा, वो होगा पाई और आर हो जाएगा, मतलब ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, पाई आर। क्यों होगी, अगर ये पूरा बन जाता तो लेंथ कितनी होती, टू पाई आर, मतलब आपका सर्कमफेरेंस हो जाता, परिधि हो जाती आपकी। लेकिन मेरे को क्या, मेरे को आधा ही मिला, मतलब लेंथ क्या होगा, टू पाई आर की जगह पाई आर होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल कितनी होगी, ये आर और ये आर, कितनी होगी, टू आर होगी। यहाँ डिस्टेंस ऑफ पोल्स कितनी है, एल है, लेकिन यहाँ कितनी है आपकी, वो टू आर होगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपन अगर इन दोनों को देखें कि इन दोनों पोल के बीच में जितनी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एल इक्वल टू पाई आर हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो लेंथ कर्वेचर ऑफ लेंथ है, यहाँ लेंथ कर्वेचर कितनी आई आपकी, पाई आर आई, यहाँ लेंथ कितनी आई, वो एग्जैक्टली एल आई आपकी, तो दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली बराबर होंगे। वहाँ से हमें आर फाइंड आउट हो जाएगा, आर क्या होगा आपका, एल अपॉन पाई फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स निकालिएगा तो वो कितनी होती है आपकी, टू आर होती है, और आर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, टू एल अपॉन पाई हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या आ गई, ये डिस्टेंस आ गई बीच में, किसकी फॉर्म में, एल की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करना है हमें, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो देखो इसका अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूँ अगर मैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा एग्जैक्टली एम क्रॉस एल, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो क्या होगा, वो एम क्रॉस एल, मतलब जो डिस्टेंस कितनी है इनकी, टू आर है, और वो कितना होगा, टू एल अपॉन पाई, ठीक है, टू एल अपॉन पाई हो जाएगा। फिर दोनों का मुझे रेशियो लेने को बोला था इन्होंने, ठीक है। तो मैं जब इनका रेशियो लूँगा अगर, तो क्या होगा, एम डैश अपॉन एम लूँगा, ठीक है, और एम डॉट टू एल अपॉन पाई होगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इसके नीचे आएगा, लेकिन इसको क्या कर दिया, मल्टीपल मतलब बटा में लिख दिया, ठीक है। ये एग्जैक्टली आप लिख सकते हो, आप वन अपॉन, या डिवाइड कर दूँ, या जो भी आप लिखना चाहो, जिस फॉर्म में आप लिखना चाहो लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखूंगा अगर मैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये इससे जस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल आप कैंसिल हो जाएगा, टू अपॉन पाई आपका आंसर बचेगा। और यानी कि इसको आप अगर मल्टीप्लाई करो इधर आप फजर गुणा में, तो क्या होगा, एम डे इक्वल टू क्या, टू एम अपॉन पाई, ये आपका एग्जैक्टली क्या होगा, इनका आंसर होगा। जस्ट अपन चेक कर लेते हैं अपना जो है ऑप्शन मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो अपना जो है वो एम अपॉन पाई, ये वाला जो हमारा जो है, सॉरी टू एम अपॉन पाई, ये वाला जो ए ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है हमारा। तो 13 नंबर 2 क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वही बंदा इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन ए गिवन फिगर इज, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसी पी पॉइंट पर क्या होगा, इस चित्र के सापेक्ष में, ठीक है। हियर वायर इज इन्फिनिटी लॉन्ग विच इज बेंड एट ओ, ओ से इस वायर को बेंड कर दिया गया है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो सिंपल, हमारा जितना नॉलेज कम करता है, हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने जो बायर सेवर्स लॉ वगैरह में अपने ये पढ़ा था कि कोई भी इन्फिनिटी लॉन्ग अगर वायर ना हो, अगर मान लिया कोई सीमित लंबाई का वायर हो, जैसे मान लिया इसमें देते अपन, ठीक है, एक्स और वाई कोई लंबाई का, सीमित लंबाई का वायर है, और उसके किसी एक पॉइंट से पी पॉइंट पर हमें अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि y से बनने वाला एंगल फाई टू और x से एंगल बनने वाला अगर फाई वन लो आप अगर, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो अगर 90 डिग्री लाइन पे अगर हो, मतलब परपेंडिकुलर हो उसके अगर, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड B जो होता है उसका फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। मतलब म्यू जीरो ये है जो आपकी मैग्नेट सेंसिबिलिटी हो जाएगी आपकी, और ये आपका आई हो जाएगा आपका जो करंट होगा जो इसके अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और ये 4πx हो जाएगा आपका, ठीक है, जो x के आपका इसमें जो इसका डिस्टेंस है आपका, ठीक है, साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये एग्जैक्टली अपन 12th क्लास तक पढ़ते आए थे, ठीक। अब कोई भी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली अगर अपन इसमें सिनेरियो चेंज करते हैं, अगर अपन इस लेंथ के वायर को इन्फिनिटी कर देते हैं तो क्या होगा, अगर मैं इस वायर को यहाँ तक बढ़ा दूँ तो क्या होगा, ये जो फाइव वन जो एंगल है वो एग्जैक्टली बढ़ेगा, मतलब इस एग्जैक्टली जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली अभी यहाँ है, बाद में क्या होगा एंगल अच्छा बढ़ेगा, और करूँगा तो क्या एंगल और बढ़ेगा,
और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये अगर इन्फिनिटी लॉन्ग हो जाएगा तो ये फाइव टू जो क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ये वाला केस यहाँ भी होगा कि अगर एक्स को मैं बढ़ाता जाऊँ तो क्या होगा, एग्जैक्टली मेरा वो लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्या होगा लगभग 90 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि अगर वायर को इन्फिनिटी लॉन्ग कर दूँ अगर मैं तो क्या होगा, ये जो फाइव टू और फाइव वन है वो क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। पता लगे रीजन क्या था आपका कि अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ अगर मैं और लंबा करता हूँ क्या होगा, एंगल लगातार एंगल बढ़ता जाएगा और एक बार क्या होगा ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसके लिए देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब वो इन्फिनिटी लॉन्ग होता है तो अपन फाइव वन और फाइव टू क्या हो जाते हैं 90 डिग्री हो जाते हैं। उस केस के अंदर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, सिंपल यहाँ पे 90 और 90 की वजह से क्या हो जाता है अपना वन और वन हो जाता है और अपना मैग्नेटिक फील्ड अपना ये फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया, उन्होंने क्या किया इस ओ पॉइंट से इसको ऊपर ना ले जा करके इन्होंने क्या किया इसे इधर की तरफ बेंड कर दिया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ बेंड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से इधर इन्फिनिटी के जो एंगल बनेगा वो तो एग्जैक्टली हो सकता है बहुत ही 90 डिग्री बन जाए बहुत दूर होने पर, तो यानी कि जो 5-2-5-1 एंगल है वो तो 90 बनेगा, लेकिन ये पॉइंट इन्फिनिटी के क्या हो गया एग्जैक्ट सामने हो गया, तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आपका जो 0 डिग्री कोण हो जाएगा। मतलब जो 5-2 जो कोण है ना आपका वो यहाँ ना जाकर के इधर चला गया है। ठीक है, तो वो जो 5-2 कोण होगा वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो एंगल है ना 5-1, ये जो एंगल यहाँ जो बनेगा ये तो बन जाएगा एग्जैक्टली आपका 90 डिग्री नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो एंगल है ना वो 0 डिग्री बनेगा क्योंकि ये ऊपर ना होकर के इसके एग्जैक्टली सामने चला गया इधर। ठीक है, तो क्या होगा हमारे फॉर्मूले में बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एक्स होगा, साइन 90 डिग्री प्लस 0 और म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एक्स होगा, ये एग्जैक्टली हमारा मैथमेटिकली रिलेशन फाइंड आउट होगा। देखो हम अगर क्वेश्चन में चेक करें हम अगर तो देखो हमारे ये ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है, ये ऑप्शन भी सही बैठ रहा है, लेकिन अब इन टू द पेज और आउट टू द पेज द हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा और हमारे क्वेश्चन में जो आई का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन से तय होगा कि ये इन टू द पेज होगा या आउट टू द पेज होगा। तो देखिए देखो हमारी इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो जो है वो ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, तो एग्जैक्टली ये इन टू द पेज होगा। एग्जैक्टली वो राइट हैंड जो रूल्स होते हैं हमारे थंब वाले जो रूल्स होते हैं ना अपने कि वो जो अंगुलियाँ जो है वो किधर जाएगी और जो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो एग्जैक्टली सिनेरियो हमारा इस तरह के सिनेरियो हमारा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो डाउन इन टू द पेज होगा, मतलब पेज के अंदर जाता हुआ पेज होगा। ठीक है, आप ट्राई कर देख लेना आप अगर, तो ए ऑप्शन आपका आपका एग्जैक्टली सही होगा आपका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 23 था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अपन क्वेश्चन नंबर जो 24 के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आपका कि वो एक LCR से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, वो कहता है कि इन सीरीज LCR कोई भी एक LCR है वो सीरीज पैटर्न में लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से अपना क्वेश्चन कह रहा है अपन उसी तरीके से लेंगे अपन एग्जैक्टली अपन, और इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस द अप्लाइड AC वोल्टेज 220 वोल्टेज। देखो देखो जो इसने कहा है वही एग्जैक्टली अपन करेंगे यहाँ पर कि जो अपना LCR है वो एक सीरीज पैटर्न में दिया हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार क्वेश्चन कह रहा अपन कर देते हैं, ये L है आपका C और आप दोनों क्या लगे हुए सीरीज में लगे हुए हैं आपके। ठीक है, और एक AC वोल्टेज 220 वोल्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, इस प्रकार लगा हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि एट रेजोनेंस यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 110 वोल्टेज, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंसेज। ये कह रहा है कि जो L है वहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है 110 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, सिंपल होगा एग्जैक्टली जो डायग्राम जो क्वेश्चन ने का मैंने कर दिया है, LCR एक सर्किट बना दिया है एट रेजोनेंस पे ले लिया है मैंने, तो वहाँ पे वोल्टेज V क्या होता है तीनों का जोड़ होता है कि तीनों सीरीज में है, तीनों क्या होंगे जोड़ हो जाएगा। लेकिन एट रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा कि VL और VC होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा जुड़ के दोनों क्या होते हैं 0 के बराबर होते हैं, ये गिवन कंडीशन होती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर इसको अपन सॉल्व करते क्या होगा VL इक्वल टू माइनस VC हो जाएगा, यानी कि जितना वोल्टेज VL पर होगा उसका जस्ट अपोजिट वोल्टेज क्या होगा आपका C पर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसने क्या कहा 110 जो वोल्टेज जो है वो उसने वहाँ पर ड्रॉप किया है, किसने L पर ड्रॉप किया है, तो इतना ही वोल्टेज यहाँ पर ये अप कर देगा मतलब बढ़ा देगा। तो जितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ है उतना वोल्टेज अगर ये बढ़ा देता है अगर जस्ट उसका रिवर्स कर देता है तो क्या होगा, यहाँ पर अगर 110 वोल्टेज कम किया तो यहाँ कितना वोल्टेज बचेगा
इस पॉइंट के ऊपर 110 वोल्ट बचेगा, लेकिन ये उतना ही वोल्टेज क्या हो रहा है, उठा दे रहा है, 110 से वापस उठा देगा तो कितना हो जाएगा, वापस 220 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रेजोनेंस कंडीशन में जो V होता है वो एग्जैक्टली VR के ही बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस R कितना होगा, 220 वोल्टेज आपका होगा एग्जैक्टली। तो देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस एक वन लाइन क्वेश्चन है। तो क्या है कि लेंज ला इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये लेंज ला में किस चीज का, किस क्वांटिटी का कंजर्वेशन रहता है, क्या चार्ज का कंजर्वेशन रहता है या मास का रहता है, मोमेंटम का रहता है या एनर्जी का रहता है। सिंपली आपको याद रखना है कि जो लेंज ला होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही कई बार कंपटीशन में वन वर्ड्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है आपके। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है आपका कि इफ द इंस्टेंसली वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट आई इक्वल टू 100 sin 3140 एम्पियर, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर फॉर हाफ साइकिल आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो इसने जो कहा है अपन वो कर देते हैं। इसने कहा है कि मेरे पास में एक अल्टरनेट जो है वो साइकिल पूरा पड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, वाई एक्सिस एक्सिस को पड़ा है। और ये कह रहा है कि वहाँ पर किसी एक पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू वो ये है आपकी, वो कितनी है, 100 आपका एम्पलीट्यूड है, साइन 3140 आपका ओमेगा टी, और यहाँ कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एवरेज वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल वो कह रहा है ना कि लास्ट था एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, अल्टरनेट करंट है एम्पियर द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट वो क्या होगी। तो एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपन उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। ये एवरेज का साइन है आपका, आप सब तो बार भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 100 का कोई एवरेज होगा नहीं, बस एक साइन का एवरेज होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है साइन का फंक्शन भी क्या होता है, अप एंड डाउन चलता है। तो उसका एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन का मतलब क्या होगा कि साइन फंक्शन के प्रत्येक पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू और टोटल उस पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स पर आपने लिया है, ये एवरेज होता है हमेशा, और क्या है ना कि प्रत्येक पॉइंट्स की वैल्यू और नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। तो मैंने क्या किया, एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल, क्योंकि देखो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर फॉर हाफ साइकिल, हमें आधे साइकिल के लिए निकालनी है, या तो आप नेगेटिव के लिए निकाल लो या आप पॉजिटिव के लिए निकाल लो। तो आधे साइकिल के जब मुझे निकालने को बोला जाएगा मेरे को, मैं क्या करूँगा कि यहाँ से स्टार्ट करूँगा जीरो से, और ख़त्म कहाँ पर हो जाएगा मेरा, मेरा ख़त्म हो जाएगा वापस अगेन 2π पे ख़त्म हो जाएगा। पर मुझे आधे सर्कल पर निकालनी है, मतलब मुझे केवल इस पॉइंट तक ही निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा केवल जीरो से पाई तक ही निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेके पाई तक, ठीक है। जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, माइनस कोस एक्स आएगा जीरो से पाई लिमिट तक, और इसका जीरो से पाई लिमिट एक्स हो जाएगा। जब इस वैल्यू को पुट करता हूँ मैं अगर, तो माइनस बाहर ऑलरेडी है और कोस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, और ये प्लस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका, और ये पाई माइनस जीरो मतलब पाई हो जाएगा, और 2 ओपन पाई की वैल्यू कितनी आती है, 0.6366 आपका एग्जैक्टली क्या आता है, वैल्यू आता है। तो यानी कि इस हाफ साइकिल का जो एवरेज होगा इसका वो कितना होगा एग्जैक्टली आपका, 0.6366 होगा। उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, किसी साइन वाले में, और गुणा करो तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी हाफ साइकिल कितनी आएगी, वो करंट में 63.66 आएगी। तो मैं ये चेक करता हूँ क्या ऑप्शन मुझे दिया कि नहीं दिया। देखो एग्जैक्टली 63.7 दिया हुआ है, मेरा आंसर क्या आ रहा है, 63.66 आ रहा है। तो नो प्रॉब्लम, इट्स नियर टू 63.7 के एम्पियर के होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 37 पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन 37 क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यानी कि यंग मॉड जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना आपका, उसमें इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज I0, इनकी प्रत्येक जो आपकी जो वेव है उनकी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, सेम है, I0 है, और वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, व्यतिकरण दिखा रही है आपको। रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी, उन दोनों का रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, और वहाँ पे फाई अगर वहाँ पे क्या हो, फेज डिफरेंस हो। तो सिंपल मैंने क्या किया, जो इन्होंने कहा मैंने कर दिया, मैंने क्या किया, दो वेव्स ले ली जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, ठीक है, और दोनों क्या है, सेम है। मैंने तो I1 I2 लिए, पर दोनों क्या एग्जैक्टली आपका सेम है। तो दोनों का जुड़ने के बाद क्या बनता है, नेट क्या बनती है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 cos phi, ये एग्जैक्टिव फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली, ये आपका कोसाइन वाला फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली, ठीक है आपका। तो फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, I1 और I2 दोनों क्या हो रहे हैं आपके, सेम हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो क्या होगा, नेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे I0 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 I0 और I0
कोस फाइव हो जाएगा, मतलब आई नेट में क्या का टू आई जीरो और टू आई जीरो कोस फाइव हो जाएगा। फिर टू आई जीरो आप कॉमन ले लोगे इसमें से तो क्या बचेगा, वन प्लस कोस फाइव बचेगा। फिर आप कोस फाइव में आप एक आइडेंटिटी लगाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले में आपको टीटा बाई टू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई आपको ऐसी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जहाँ पर टीटा बाई टू या फाइव बाई टू आ जाए मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोस वाली आइडेंटिटी लगाई। कोस की आइडेंटिटी क्या होती है, टू कोस स्क्वायर टीटा बाई टू या फाइव बाई टू प्लस वन होती है। मैंने जब इसको अप्लाई किया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, वन और वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। टू एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा, टू यहाँ भी है टू यहाँ भी है, मतलब दोनों का ऐड आपका, ठीक है, वो कॉमन आएगा। तो फोर आई जीरो कोस स्क्वायर फाइव बाई टू, ये आपका एग्जैक्टली आपका नेट बनेगा इंटरफेरेंस में। चेक करते हैं अपन ये है कि नहीं है, ये एग्जैक्टली दे रहा है, आई फोर आई जीरो कोस स्क्वायर फाइव बाई टू एग्जैक्टली आपका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पोलराइजर क्वेश्चन है आपका कि टू पोलराइड आर प्लेस्ड इन ए सच ए वे दैट देयर एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विच ईच अदर। देखो दो पोलराइड इस प्रकार रखें कि दोनों आपस में 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। If unpolarized light is incident on the system of these polaroids, the friction of incident line transmitted, इन कितनी light transmit होगी, जो इन्होंने कहा मैंने बना दिया, मैंने पहला polaroid ले लिया जिसे सिंपल एक एक्सिस पर रखा मैंने, उससे इस polaroid को 30 डिग्री घुमा के रखा, इसको क्या रखा मैं 30 डिग्री घुमा के रखा मैंने, ठीक है। तो unpolarized light जो है उसकी इंटेंसिटी आई जीरो है, वो जब इस पहले polarizer में से निकलेगी तो क्या होगा, इसमें से एक component निकलेगा और एक component नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई जीरो बाई टू हो जाएगी, ठीक है। अब इस पोलराइजर को भी अगर इसके समांतर रख दिया जाता तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आती, आई जीरो बाई टू आ जाती, लेकिन इसको 30 डिग्री घुमा दिया गया है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैलस ला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैलस ला क्या कहता है, आई इक्वल टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो सिंपल जब मैंने आई जीरो मतलब इस पोलराइजर के बाद मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट कितनी हुई, आई जीरो बाई टू फाइंड आउट हुई, और यहाँ पर जो कोस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा मैंने तो मेरा वैल्यू कितना है, आई जीरो बाई टू, और कोस 30 डिग्री कितनी थी, रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। जस्ट मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, 3/8 आई जीरो मिलेगा मेरे को, ठीक है। ये मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आई मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी। तो देखते हैं अपना आंसर, देखते हैं कितना होगा, देखें 3/8 होगा ये, ठीक। कितना होगा, 3/8 होगा। अपन क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, ठीक है। 39 क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अपना, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफेक्ट में इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, किस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया है वर्क फंक्शन ऑफ सर्फेस, ठीक है। अगला है अमाउंट ऑफ फोटो रिपीट करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोटेंशियल होता है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड द इंटेंसिटी, ठीक है। किसी भी नॉर्मली किसी एरिया पर एक सेकंड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटेंसिटी के बराबर होते हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन, ठीक है। इन जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है इसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, डिपेंड करती है। तो हमारे ऑप्शन में क्या होता है, जो हमारा जो दो नंबर जो आंसर है वह अबाउट अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो हमेशा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 39 भी क्या हो गया अपना पूरा हो चुका है। अपन क्वेश्चन नंबर 40 पे विचार करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 40 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक तरह का, ठीक है। क्वेश्चन 14 आपका, क्वेश्चन नंबर 40 जो कहता है वो क्या कहता है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की जो सक्रियता है वो 9 वर्षों में इसकी प्रारंभिक सक्रियता ए जीरो की एक तिहाई हो जाती है। तो अगले 9 वर्षों में इसके जो है वो जो क्रियाशीलता या फिर जो सक्रियता वो क्या होगी, रेडियो एक्टिविटी। तो जो क्वेश्चन ने कहा है अपन वही करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि देखो जो फॉर्मूला होता है किसके लिए, रेडियो एक्टिव डीके के लिए फॉर्मूला सिंपल ये होता है, ए इक्वल टू ए जीरो ई के पावर माइनस लेमडा टी, ये रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। लेमडा यहाँ पे क्या होता है, डीके कांस्टेंट होता है, और ए जीरो जो होता है आपका क्या होता है, वो आपका एजिकली इंसिडेंट एक्टिविटी होती है, और ए आपकी एक्टिविटी टाइम टी होती है आपकी। अब कह रहा है कि
क्वेश्चन कह रहा है कि जो 9 साल बाद में इन 9 ईयर एक्टिविटी ऑफ द इनिशियल, यानी कि 9 साल बाद एक्टिविटी क्या हो जाती है, 1/3, 1/3 हो जाती है आपकी, ठीक है। तो अगर 1/3 हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ कि 9 साल बाद एक्टिविटी क्या करता हूँ, 0/3 कर देता हूँ। ये एक्टिविटी मुझे क्या मिलेगी, ए मिलेगी मेरे को, ठीक है। 9 साल बाद एक्टिविटी मुझे क्या मिलेगी, 0/3 मिलेगी। अब कह रहा है कि एट 9 ईयर, वो कह रहा है कि अगले 9 साल, ठीक है, अगले 9 साल में क्या होगा। तो देखो एग्जैक्टली पहले इसकी एक्टिविटी कितनी थी, 0 थी आपकी, 9 साल बाद कितनी हो गई है, 0/3 हो गई है। अब अगले 9 साल बाद क्या होगा, तो एग्जैक्टली क्या होगा, एट 9 ईयर, ठीक है, ए जो है वो किसके बराबर हो गया, 0/3 के बराबर हो गया। a0 रहेगा और e के पावर माइनस लैम्बडा और t मतलब 9, क्योंकि 9 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे अगर, तब आपको क्या मिलेगा, a0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, और e की पावर माइनस लैम्बडा और 9 की वैल्यू किसके पर फाइंड आउट होगी, 1/3 के पावर फाइंड आउट होगी। लेकिन आप नोटिस क्या करोगे कि 9 साल बाद एक्टिविटी ये हो गई है और अगले 9 साल बाद क्या हो गया, आपका एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, लेकिन टोटल कितने साल हो गए, 18 साल हो गए टोटल आपके पूरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 साल बाद एक्टिविटी अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 ईयर लेटर, 18 साल बाद क्या होगा, सिंपल भाई फॉर्मूला, a=a0 ई की पावर माइनस लैम्बडा डॉट 18 हो गया, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को हल्का सा मॉडिफाई किया गया है, इसको a/a0 लिखा गया है, ई की पावर माइनस 9 डॉट लैम्बडा और स्क्वायर कर दिया है। पता है जब भी पावर के अंदर अपने स्क्वायर लिखते हैं मतलब क्या होता है, उससे जस्ट वो गुणा हो जाती है, 9 × 2 क्या होगा, 18 हो जाएगा। इस पर लिखिए, और ई की पावर माइनस 9 डॉट लैम्बडा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, हमने निकाल रखी इस रिलेशन को, वो किसके बराबर, 1/3 के बराबर है। तो मैंने इसको 1/3 रख दिया और इसको स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो, a/a0 क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a0/9, यानी कि जो 18 साल बाद एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल की कितनी हो जाएगी, 1/9 रह जाएगी आपकी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर, है ना, अपन 4 क्वेश्चन और करेंगे, 45 तक करेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 41 कहता है हमको, वो क्या कहता है एग्जैक्टली हमें, कि एक ड्यूटेरोन है और 6 कार्बन 12 है हमारे पास नाभिक हैं, उनमें कोई अभिक्रिया होती है और हमें जो रिजल्टेंट जो मिलता है वो क्या मिलता है, 7 नाइट्रोजन और 13, ये हमें उत्सर्जन मिलता है। तो ये कह रहा है कि इस रिएक्शन को पूरा करे तो अगर उत्सर्जित जो एटम होगा वो क्या होगा। तो देखो जैसे मैंने क्या किया, सिंपल मैंने उसको करके रखा है, एक ड्यूटेरियन को अपन क्या लिखते हैं, 1H2 लिखते हैं अपन, ठीक है। और सिंपल देखो एग्जैक्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिंग कितना होता है आपका, ए होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका, ठीक है। तो पहले ड्यूटेरियन में कर लेते हैं, ड्यूटेरियन प्रोटॉन कितने हैं आपके, 1 है, न्यूट्रॉन कितने आपका, 1 है, ए कितना है आपका, 2 है आपका। कार्बन में क्या है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 है, और ए कितना है आपका, 12 है आपका, और 7 नाइट्रोजन 13 जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं अपन क्या है, 7 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, देखो, और दोनों का जोड़ क्या होगा, 13A है आपका, ये एग्जैक्टली आपको पता है। अब देखो अगर आप इसमें कंजर्वेशन लगाओ, किसमें, हमारी इक्वेशन में, कि एक ड्यूटेरियन जो है वो एक कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या मिलता है, 7 नाइट्रोजन और 13 मिलता है, और प्लस में हमें समथिंग मिलना चाहिए, वो हमें क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन में प्रोटॉन का कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, यहाँ कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो टोटल यहाँ प्रोटॉन कितने होने चाहिए, 7 प्रोटॉन होने चाहिए। तो यहाँ 7 प्रोटॉन है कि नहीं है, एग्जैक्टली है, तो नो प्रॉब्लम, प्रोटॉन की कंजर्वेशन हो चुका है, यहाँ प्रोटॉन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपन न्यूट्रॉन नंबर देखते हैं, तो न्यूट्रॉन नंबर देखेंगे तो क्या होगा कि इधर कितने न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ से ले लेना आप, ठीक है, और इसमें कितने न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितने होने चाहिए, 7 न्यूट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन और होना चाहिए राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इक्वेशन जो क्या हो जाएगी, 1H2+6C12 और 7 नाइट्रोजन 13 प्लस एक न्यूट्रॉन और होगा, तो न्यूट्रॉन कंजर्वेशन में यहाँ पे 7 आएगा, नहीं तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 41 क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 42 वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 42 क्वेश्चन क्या कहता है, मैं देखो एक्चुअली वो कह रहा है कि इन ए फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज मेन फ्रिक्वेंसी, अगर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर वर्क कर रहा है, ठीक है, द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन द रिपल वुड बी, यानी कि जो रिपल होगा उसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या मिलेगी हमें। तो देखो जो क्वेश्चन ने कहा मैंने वही किया, क्वेश्चन ने जो किया कि एक मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर बना हुआ है, मैंने क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर ले लिया,
उसमें कोई एसी सप्लाई दी जा रही है, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉल्स हैं आपकी, और ये आपके डायोड्स हैं आपके, और ये फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ये तो इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। इनपुट आपका एसी अप एंड डाउन होता है, आउटपुट हमेशा अप एंड अप होता है आपका, ठीक है। अब देखो क्या क्या, इन द फुल वेव रेक्टिफायर वी गेट आउटपुट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल ऑफ एसी इनपुट, हैंज द फ्रिक्वेंसी और रिपल ऑफ द आउटपुट इज ट्वाइस ऑफ द इनपुट एसी। यानी कि वो कह रहे हैं कि इनपुट जब अपन क्या देते हैं, वो देते हैं अपन एसी अप एंड डाउन देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव देते हैं, लेकिन जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, मतलब हमेशा डबल होता है उसका हमेशा। तो इसमें तो सिंगल गया अप, लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपको डबल मिला आपको। इसका मतलब क्या होगा कि जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एंड रिपल होगा वो हमेशा डबल हो जाएगी। तो इनिशियल कितनी थी, इनिशियल आपकी 50 हर्ट्ज थी आपकी, तो आउटपुट में क्या होगा 2 × 50 = 100 हर्ट्ज हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली 100 हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा 42 का। आप देखते हैं, अपन बात करते हैं 43 क्वेश्चन के ऊपर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पीस ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ जर्मेनियम आर हीटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर ऑफ 40 केल्विन, द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो हमारे पास दो चीज़ें, एक तो हमारे पास कॉपर का वायर है, एक हमारे पास में जर्मेनियम का वायर है। देखो इन दोनों को देख के क्या लगता है कि कॉपर जो है ना वो मेटल है, लेकिन जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। दोनों को रूम टेम्परेचर लेकर के 400 केल्विन तक उनको हीट किया गया है। तो क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच डिक्रीज, दोनों का प्रतिरोध क्या कम होगा, या दोनों का प्रतिरोध बढ़ेगा, या कॉपर का प्रतिरोध बढ़ेगा और जर्मेनियम का कम होगा, या जर्मेनियम का बढ़ेगा और कॉपर का कम होगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली चार ऑप्शन है। देखो इसका मैंने आंसर क्या लिखा है, मैंने देखो यहाँ पर कि मेटल हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि कॉपर का रेजिस्टेंस तो बढ़ना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इंक्रीज, सी नंबर ठीक है कि रेजिस्टेंस कॉपर का बढ़ रहा है और जर्मेनियम का कम हो रहा है, ये सी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सही होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारा कि 4n एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट, यानी कि किसी भी मॉड्यूलेशन में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें कितना मिला है वो 8 वोल्ट मिला है, जबकि मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना मिला है हमें, वो 2 वोल्ट मिला है हमको, ठीक है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, देखो सिंपल एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। हम देखो एक चीज मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दो फॉर्मूला जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एम बराबर क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल माइनस मिनिमम पोटेंशियल अपॉन मैक्सिमम पोटेंशियल प्लस आपका मिनिमम पोटेंशियल। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, मैक्सिमम पोटेंशियल आपका 8 है, मिनिमम पोटेंशियल आपका 2 है, इस वैल्यूज को आप पुट करोगे। आप अगर सिंपल है, 8 - 2 / 8 + 2 होगा 6/10 होगा, और वैल्यू कितनी आएगी एम बराबर 0.6, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो सी आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट होगा आपका। बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि द डेविएशन ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम लार्ज हाइट फ्रॉम वर्टिकल इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज टूवर्ड्स, यानी कि अगर नॉर्थन हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध के अंदर आप अगर जो किसी भी बॉडी को फ्रीली नीचे गिराते हो तो वो बॉडी किधर शिफ्ट होगी, ईस्ट में जाएगी, वेस्ट में जाएगी, साउथ में जाएगी, या कहीं भी डेविएट नहीं होगी, तो ये अपने को पता लगाना है। तो सिंपल देखो एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक प्लेन ले लिया है ना, और कोई जेड हाइट के ऊपर से मैंने क्या किया, बॉडी को नीचे की तरफ गिराया, किसी हाइट एच से नीचे गिराया, ठीक है। तो सिंपल देखो एक्चुअली जब भी कोई बॉडी को वर्टिकली गिराया जाता है तो वो किधर भी शिफ्ट होती है तो उसका रीजन क्या होता है, कोरिओलिस फोर्स होता है, ठीक है। तो वर्टिकली फ्री फॉलिंग बॉडी पाथ शिफ्ट ड्यू टू अर्थ कोरिओलिस फोर्स, कोरिओलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, वो हमेशा शिफ्ट होता है हमेशा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी इज वी, अगर उसकी वेलोसिटी क्या है, अगर वी उसकी वेलोसिटी है ऊपर से नीचे गिरती हुई, तो न्यूटन के पहले समीकरण से क्या होगा, वी बराबर यू प्लस एटी होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि फ्री फॉल कर रही है, मतलब स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो इसकी प्रारंभिक स्पीड क्या होगी, जीरो होगी, और ए होगा वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी में गिर रही है, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट गिर रही है, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी हो जाएगी। तो जो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या फाइंड आउट होगी हमें, वेलोसिटी होगी वो माइनस जी फाइंड आउट होगी, ठीक है। और टी ऐसा कैसे, ए की जगह माइनस जी हो जाएगा, टी रह जाएगा,
और डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए मैंने के लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने जेड डायरेक्शन ले ली थी यहाँ पर, और जेड डायरेक्शन के नीचे की ओर आ रही है, मतलब वो के डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अगर अपन सिंपल मैप देखते हैं तो मैप में क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होती है, ईस्ट डायरेक्शन इधर होती है, वेस्ट डायरेक्शन इज अपोजिट होती है ईस्ट के, और साउथ डायरेक्शन जो है वो नीचे होती है। और अपन एक्स एक्सिस में लेते हो क्या, देखो इसको इसको कंपेयर करो एक बार आप, जिधर ईस्ट डायरेक्शन मतलब जिधर पूर्व दिशा है आपकी, उधर आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लिए अपन कौन सा डायरेक्शन कोऑर्डिनेट काम में लेते हैं, हमेशा आयोटा काम में लेते हैं, ठीक है, आई कैप काम में लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ के लिए अपन क्या लेते हैं हमेशा, अगर आप इसको जेड पे ले रहे हो तो के काम में ले सकते हो पहले आप, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये तो हमारी वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई किसी भी बॉडी के नीचे गिरने की, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कोरलेसिस फोर्स ड्यू टू अर्थ, जो अर्थ में कोरलेसिस फोर्स बनता है वो किसकी वजह से बनता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से बनता है, ठीक है। तो अर्थ का जब रोटेशन होता है, और अगर मान लिया अर्थ के ऊपर आदमी कहीं भी खड़ा है अगर, ठीक, मान लिया ये हमारी अर्थ है पूरी, ठीक है, और ये साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका ईस्ट है और आपका ये वेस्ट है, ठीक है। आदमी कहीं भी खड़ा है अगर, ठीक है, तो उस खड़े हुए व्यक्ति को एंगुलर वेलोसिटी किस प्रकार महसूस होगी या उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो एग्जैक्टली सिंपली इस प्रकार लिखा जाता है। ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बहुत लंबा है, लेकिन आपको फाइनल परिणाम मैंने यहाँ लिख दिया है कि जे यहाँ पर जो है वो वाई डायरेक्शन शो करता है, के यहाँ पर जेड डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अब जो कोरिलेशन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ सी, वो होता है माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी, ये फॉर्मूला होता है किसका, कोरिलेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या अगर जो जो हमने निकाला है वो सभी हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्रॉस में है इसलिए क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में ओपन होंगे, ठीक है। ओमेगा आपका ये रहा और वी आपका ऊपर रहा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को माइनस टू एम और आयोटा के जे में आपका जो है वो एक्स, मतलब किस में, ओमेगा में एक्स कंपोनेंट है कहीं, मतलब आई का कोई कंपोनेंट है नहीं है, मतलब जीरो लिख दिया मैंने, जे का कंपोनेंट है और के का कंपोनेंट है। वी में क्या होगा, वी के अंदर केवल के कंपोनेंट है, तो मैंने एक्स और वाई जीरो रख दिया और केवल के कंपोनेंट रख दिया। इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपको आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो आयोटा किसको इंडिकेट कर रहा है आपको, वो कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है आपको, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन को। और इसका मतलब क्या होगा कि वर्टिकली फ्री फॉलिंग जो बॉडी होती है वो हमेशा शिफ्ट टुवर्ड ईस्ट इन नॉर्थ इन हेमिस्फीयर, इनकी उत्तरी गोलार्ध के अंदर वो जो बॉडी होगी वो किधर शिफ्ट होगी, पूर्व दिशा की ओर शिफ्ट होगी। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने जो है वो 45 तक क्वेश्चन देखे हैं, 31 से लेकर के, नेक्स्ट के अंदर अपन 46 से लेकर 60 तक देखेंगे। थैंक यू।